हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं शगुन विद मॉम से बोल रही हूँ। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मसाला पूरी की रेसिपी। तो चलो देख लेते हैं। हमने एक बाउल लिया है और फ्रेंड्स, इस पूरी को हम चटनी, सॉस, दही या किसी भी सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। दो कटोरी हमने आटा लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, तो मैं सेंधा नमक ही ऐड कर रही हूँ इसमें। और हाफ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन ऐड करी है। दो मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, उनको बॉईल कर लिया है और कद्दूकस करके इसमें ऐड कर दिया है। धनिया पत्ती ऐड करी है। दो टीस्पून मैं इसमें सूजी ऐड करूंगी। एक टीस्पून मैं इसमें ऑयल डालूंगी और हाथों से मैं इसको अच्छे से मिला दूंगी। पानी मैं फ्रेंड्स में थोड़ा ही ऐड करूंगी और ये आटा हमें टाइट गूंदना है, जैसे कि हम पूरियों के लिए गूंदते हैं टाइट आटा, उसी तरीके से इसका आटा हमें गूंदना है। और इसे हम 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तीस मिनट हमारे हो चुके हैं और आटा हमारा सेट हो गया है। तो अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम इनको बेल लेंगे ऑयल लगा के। तरीके से हम सभी पूरियों को बेल लेंगे। तो हमारी सभी पूरियां बेल चुकी हैं और गैस पे मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। और ऑयल को हम चेक करेंगे कि गर्म हो गया है हमारा ऑयल या नहीं। तो मैंने एक छोटी सी बॉल बना के ऑयल में डाल दी है और वो ऊपर भी आ गई है, तो समझो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो मैं पूरी भी छोड़ दूँगी। पूरी को हम दोनों साइड से सेक लेंगे और पूरी हमारी फूल चुकी है। पूरी को दोनों तरफ से हम अच्छे से सेकने के बाद हम पूरी को निकाल लेंगे।
और साथ में दूसरी पूरी को छोड़ देंगे। इसी तरीके से हम सभी पूरियों को सेक लेंगे। और देखिए पूरी हमारी बन चुकी हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।